तो आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है मॉर्निंग वॉक के क्या करते हो तीन चीजें करता हूं मैं एक मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं मॉर्निंग में अपनी टीम के साथ बहुत मजा आता है मेरे को <laughs> वो मैंने पक्का कर लिया अब तो मेरे को तीन महीने होने वाले हैं और मैं उसको छोड़ने नहीं वाला तो रोज सुबह दूसरा चैंटिंग करना और तीसरा भगवत गीता पढ़ना ये तीन चीजें फिक्स करी हुई हैं इनको नहीं टच करना इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं करना इसमें क्या राइडर डाल दिया ब्रेकफास्ट इसके बाद लूंगा अगर ये तीन चीजें हो गई तो ब्रेकफास्ट ले लेंगे ये नहीं हुई तो उसको डिले करके फिर ब्रेकफास्ट थोड़ा डिलेड ले लेंगे उससे क्या भूख बहुत लगती है तो तीन चीजें कंप्लीट हुई तो उससे ब्रेकफास्ट का राइडर डाल दिया बीच में टोल गेट है तो उससे अच्छा डिसिप्लिन आया बेसिकली क्या फिजिकल फिटनेस भी हो गया आपका और साथ में स्पिरिचुअल फिटनेस भी हो गया और इंटेलेक्चुअल फिटनेस भगवदगीता से स्पिरिचुअल फिटनेस चैंटिंग से और फिजिकल फिटनेस फुटबॉल खेलने से क्रेजी सर मैं भी बहुत फुटबॉल खेलता हूँ और बास्केटबॉल बहुत ज्यादा देखता हूँ आई फील कि जब आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जो होते हैं आपकी असली पर्सनैलिटी वो स्पोर्ट में निकल कर आती है एज एन ऑन द पिच यू आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हुआ टू आस्कू की वट काइंड प्लेयर यू वैन यू आन यू आर प्लेंग फुटबॉल आई एल गिव एक्साम्पल तो आई एम द काइंड ऑफ गाय रन ऑल ओवर द पिच a hard working person. और जहाँ बॉल है मुझे वहाँ होना है लाइक दैट एंड आई पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन लाइक दैट आई एम अग्रेसिव ऑन द पिच हु आर यू ऑन द पिच आई एम एम्बिशियस गोल ओरिएंटेड स्ट्राइकर वेरी क्लियर गॉट तो मेरा क्या अगर हम लोग 10 गोल का मैच खेलते हैं तो 80 परसेंट गोल मेरे को मारने हैं इसमें से तो <laughs> so, मतलब मैं थोड़ा बहुत स्ट्राइकर माइंड का आदमी हूँ तो वो आपने बोला पर्सनालिटी सामने आता है क्या बोली बात आपने जबरदस्त है आपसे बहुत सीखने को मिलता है रणबीर भाई हाँ सो सो बिल्कुल ठीक पर्सनालिटी सामने आता है आई एम वेरी वेरी फोकस्ड पर्सन तो बॉल हाथ में आनी चाहिए तो मैं निकाल के ले जाऊंगा उसके बाद तो वो ऐसे लाइफ भी ऐसा ही रहना चाहिए अपना जो फोकस है ना सी आईदर योर फोकस्ड पर्सन either you are a focused person or you are a failure there's nothing in between hmm <laughs> crazy